फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्वाति और आप देख रहे हो स्वाति रचक लाइफस्टाइल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काफी अच्छा दो चीज, जो अगर आपके घर पर कोई भी डायबिटीज पेशेंट है तो उनके लिए ये दो चीज बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। मैं आज बात कर रही हूँ घाव के बारे में, जो हर किसी को होता है कहीं पर चोट लगने के वजह से। एक तो घाव होता है जो नॉर्मल आदमी को होता है, जैसे मुझे होता है, आपको होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। 2-3 दिन 4 दिन बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसमें ज़्यादा मलम पट्टी करने का ज़रूरत नहीं होता है। पर मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज पेशेंट के बारे में, जो जिनका डायबिटीज़ है उस कारण से उनका जो हाथ पैर में जो चोट लगता है या फिर कटता है तो वो सूखता नहीं है, वहाँ से दर्द शुरू हो जाता है, फिर वो फैलना शुरू हो जाता है, फिर उसमें पूस जमा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात होती है। तो अगर आपके घर पर डायबिटीज पेशेंट है तो आपको हमेशा दो चीज़ घर पर अवेलेबल रखना चाहिए। वो दो चीज़ है, एक तो है नियोस्प्रिन पाउडर, जो हमेशा घर पर अवेलेबल होना ज़रूरी है। दूसरा है सोप्रामिसिन क्रीम, जो हमेशा घर पर आपका होना ज़रूरी है। ये तो दो चीज़ अगर घर पर है ना तो आप को कोई टेंशन नहीं होगा, अगर कोई भी डायबिटीज पेशेंट को थोड़ा सा घाव वगैरह होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ सोप्रामिसिन पाउडर क्रीम के बारे में और नियोस्प्रिन पाउडर के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी सोप्रामिसिन क्रीम क्या काम देता है। चोट लगा है, चोट लगने के बाद उसमें पूस जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पूस जमा हो जा रहा है, फिर वहाँ से आपने देखा कि वो फैलना शुरू हो रहा है या फिर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका वो जो एरिया है उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, फिर सोप्रामिसिन पाउडर क्रीम जो है वो क्रीम आपको लगाना है, ऊपर से कॉटन से कवर करना है, उसको फिर ऐसे रख देना है, दिन पर 2 बार यूज करना है। आपने मॉर्निंग को किया है उसको फिर आपको क्या करना है, दोपहर के टाइम या फिर शाम के टाइम उसको एक बार साफ कर लेना है। आप देखोगे जब आप वो कॉटन उठाओगे ना, उसमें जो वो पूस है ना वो खुद ब खुद निकल के आना शुरू हो जाता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको अप्लाई करना है, साफ करना है, अप्लाई करना है, ऊपर से कॉटन लगा लेना है या फिर जो कोई भी चीज़ जो आपके घर पर अवेलेबल होगा, कॉटन का कपड़ा या फिर कॉटन कुछ भी, आप ऊपर में ढक के रख देना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप साफ करोगे, यानी कि इवनिंग को, मॉर्निंग को कर लिया, इवनिंग को जब आप साफ करोगे तो आप देखोगे जो पूस है वो कॉटन में निकल के आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके निकल के आ रहा है। तो फिर आपको सेम प्रोसेस करना है, तो दिन में 2 बार ये सोप्रामिसिन पाउडर क्रीम आपको यूज करना है, ठीक है। ये चीज से क्या होगा, आपका अंदर में जितना भी जो पूस जमा हुआ है ना उसको सारा को टान के निकाल लेगा। तो मेन चीज वो है ना, अंदर में अगर चीज रह गया है तो वहां से तो ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है और वहां से चीज जो है वो ठीक नहीं हो पाता है, पर वो एक बार अगर निकल जाता है तो फिर आपका खुद ब खुद अंदर से वो ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था सोप्रामिसिन क्रीम के बारे में। अब मैं बात कर रही हूँ नियोस्पोरिन पाउडर के बारे में। नियोस्पोरिन पाउडर का भी इस्तेमाल करना है, जैसे आपका जो वो पूस निकल के आ चुका है और ख़त्म हो गया है पूस, अभी ऊपर से हल्का सा चमड़ी निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आपका घाव हुआ था, कटा हुआ था, कुछ भी हुआ था, पर वहाँ से जब ठीक हो जाता है ना, हील हो जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, जो हल्का सा चमड़ी निकलना शुरू हो जाता है, तो अभी आपको क्या करना है, नियोस्पोरिन पाउडर जो है उसको आपको थोड़ा थोड़ा छिड़क के लगा देना है, ठीक है। वो भी दो टाइम लगा सकते हो, 3 टाइम लगा सकते हो, फिर देखना वो धीरे धीरे जो आपका जो स्किन जो है ना, वो जो लेयर जो बन चुका था, जो एकदम पतला सा स्किन निकलना शुरू हो जाता है, वो पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। सोप्रामिसिन पाउडर क्रीम जो होता है वो क्या करता है, जब आपका वो गीला होता है, घाव जो गीला होता है उसको हील करने में पूरा 100% काम देता है। और नियोस्पोरिन पाउडर कब काम देता है, जब वो गीलापन चला जाता है तो उसका जो स्किन लेयर जो निकलना शुरू होता है तब वो नियोस्पोरिन पाउडर आपको काम देता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको इस्तेमाल करना है, और जो आपका जितना भी घाव है, जो चीज़ भी आपका हाथों पैरों में होता है, आपको एकदम से ठीक हो जाता है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका घाव एकदम गहराई तक जा चुका है, हड्डी तक जा चुका है, यानी कि आपके बोन तक अगर टच कर चुका है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको एकदम हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और वो इतना अंदर तक भी नहीं गया है, मतलब कि ओके है, तो आप ये दो चीज़ इस्तेमाल करके आपका जो घाव है उसको ठीक कर सकते हो। तो ये दो चीज़ आप हमेशा घर पर अवेलेबल रखें तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जब भी आपको
घर पर किसी का भी रेबीज पेशेंट का अगर घाव हो रहा है, कट रहा है, तो आप साथ साथ में इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप उनको दे दीजिए जिनका हुआ है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। न्यूस्प्रिन पाउडर जो है वो सबके लिए काम देता है, और ये सप्रेमिसिन क्रीम जो है ये भी सबके लिए काम देता है, पर स्पेशली ये दो चीज़ होना चाहिए जिनके घर पर डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ आपके साथ शेयर करना था, ये हमने खुद शेयर किया है। मेरी मम्मी का डायबिटीज पेशेंट है और उनको ये घाव वगैरह होते रहता है, कहीं पर काटने से भी वो एकदम ठीक से ठीक नहीं हो पाता है। तो उन्होंने इस यूज़ किया था और बहुत अच्छा रिव्यू मिला, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ इसके बीच, नाखून जो होता है ना पेड़ के, जो आपके फिंगर्स जो होते हैं, फिंगर्स के बीचों बीच जो होता है, थोड़ा सा पानी लगने की वजह से ना वो थोड़ा सा आपका गीलापन रहता है और पेड़ों में खुजली होता है। तो आपको क्या करना है, न्यूस्प्रिन पाउडर यूज़ करना है। रात को सोते वक्त आप एक बार यूज़ कर लीजिए, आपका ये जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों यही था आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो और ख़ास वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट कीजिए किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया है, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।